हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ प्रवीण यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएससी एंड बीसीए डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिक्स, कमांड्स ऑफ यूनिक्स, हाउ वी क्रिएट अ यूजर इन अ यूनिक्स, ग्रुप्स इन यूनिक्स एंड मैनी मोर कमांड्स आर देयर। इट्स द टॉपिक ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CSE 6 फ्रॉम CSE 6 SEM। सो इट्स अ टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 3। सो बेसिकली अभी तक जैसा भी हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है आपके विंडोज के अंदर, हम जब विंडोज हम लोग अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमें अपना एक यूजर, पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करते हैं। लाइक एडमिन, एक बाय डिफॉल्ट यूजर वहां पे मिलता है। देन यू कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ यूजर्स देयर, यू आल्सो सेट अ पासवर्ड देयर। द सेम थिंग वर्क ऑन लिनक्स और वी कैन से इन यूनिक्स, बट हियर वी हैव सम डिफरेंट कमांड्स। टू बाय यूजिंग दीज कमांड्स वी आर क्रिएटिंग यूजर ग्रुप्स, क्रिएट पासवर्ड। So today we discuss about this. So first is how we create a user in Unix. So basically this is a command, user add and username. By using this command in Unix terminal, we can create a user. If we want to set a password, then we have password username. That means कि जिस भी username का password set करना चाहते हो, we will going to use a command that is passwd. If we want to create a user with an expiry date, then we use minus e. Here we have an example that is user add minus e, then date format and username. That is, by using this command we can create a user for a particular time duration. So how these users will be created, how these will work, we are going to switch on our next. We have here two URLs. Second one is Linux container. So here we are going to run a command that is user add saitm. In this terminal we are not going to run this command. We are trying user add saitm. User is created. So basically students who have Linux in their system try to run these commands on that OS, because online terminal may have some types of issues in which we are not able to create a user or create a groups, or not even we are not it's easy to provide प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स टू द यूजर। सो ये थोड़ा इजी है, थोड़ा मुश्किल हमारे लिए एक ऑनलाइन टर्मिनल पे वर्क करना कि किसी यूजर को कुछ प्राइवेसी या कुछ सिक्योरिटी देना या उसको कुछ परमिशंस प्रोवाइड करना, जबकि अगर आपके पास लिनक्स है तो आप कोशिश करो कि वहाँ पे इस टाइप्स की कमांड को एग्जीक्यूट करो, यूजर क्रिएट करो। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यूजर को क्रिएट किया है, डेट इज यूजर एड एस ए आई टी एम। अगेन यहाँ पे एक और यूजर एड करते हैं, यूजर Add SAITM 1. Now we are going to set password of SAITM. Enter Unix password. Here we are going to set the password for user SAITM. Then retype password.
पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। सो इस तरीके से जब आप अपने टर्मिनल अपने ओएस पे अगर वर्क करोगे तो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे हम ऑनलाइन टर्मिनल पे वर्क कर रहे हैं तो मे भी कुछ एक स्टेटमेंट्स है या कुछ कमांड्स है जो एग्जीक्यूट नहीं होती, जैसे लाइक दिस। यहाँ पे हमने जब यूजर ऐड किया है तो उसने यूजर को ऐड नहीं किया, बट जब सेम कमांड हमने इस वाले सेकेंड वन टर्मिनल पे रन किए तो उसने यहाँ पे यूजर को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा कि एक ऑनलाइन यूनिक्स के अंदर या लिनक्स के हम कैसे हम यूजर को क्रिएट करते हैं, कैसे वहाँ पे हम लोग सेट करते हैं पासवर्ड। नाउ तो ये हमने कमांड सभी चेक किए हैं कि यूजर ऐड, यूजर नेम, ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें पहले भी मेंशन है कि यूजर ऐड हमने कॉलेज 2 के नाम से किया, देन सेकंड वन इज यूजर ऐड कॉलेज 3 के नाम से किया, हमने पासवर्ड क्रिएट किया कॉलेज 2 का, हमने दोनों पासवर्ड किए और पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली जो भी हमारे यहाँ पे आ गया। देन अगर हमें कोई यूजर डिलीट करना है कि कोई डिलीट यूजर करना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर डिलीट नेम, दैट इज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जब आप लोग अगर हम जाएंगे यूजर को डिलीट करने के लिए तो यूजर डिलीट SAITM1, ठीक है। तो ये हमारी कमांड क्या है यूजर को डिलीट करने के लिए। नाउ सो यहाँ पे हमारे पास ये कमांड क्या है यूजर को डिलीट करने के लिए। यूजर जब हम दोबारा चेक करेंगे पासवर्ड, हम उसको सेट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूजर वहाँ पे है या नहीं है। सो यहाँ पे हमने जो अभी तक बात की वो यूजर क्रिएट करने की बात की। द सेम कंडीशन इज टू क्रिएट ऐड और ग्रुप्स। बेसिकली क्या होगा, ग्रुप्स को क्रिएट करना ऑनलाइन टर्मिनल पे इजी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक रूट पाथ चाहिए। जब हम लाइनेक्स पे रन करेंगे तो वहाँ पे आपका एक रूट पाथ जनरेट होगा कि आपको कहाँ पे अपने यूजर्स हैं, अपने ग्रुप्स वगैरह कहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन टर्मिनल में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेसिकली हम यहाँ पे एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कमांड जो हमारे नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसको चेक करते हैं कि वो हमारे पास है या नहीं है अभी। लाइक जो हमने अभी एक कमांड रन की थी डिलीट, सो उस पर उसको रन करते हैं ऑनलाइन। सो हेयर वी वांट टू सेट पासवर्ड फॉर यूजर नंबर SAITM1, SAITM1 डज नॉट एग्जिस्ट। सो इफ वी वांट टू क्रिएट अगेन अ यूजर, देन यूजर ऐड यूजर SAITM1, यूजर क्रिएटेड, नाउ वी वॉन्ट टू सेट पासवर्ड फॉर दिस यूजर, देन नाउ पासवर्ड SAITM1, एंटर यूनिक्स पासवर्ड, देन री एंटर पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट दिस वन यूजर, डिलीट SAITM1। नाउ वी वॉन्ट टू चेक इफ देर इज अ SAITM1 यूजर इज देयर और नॉट, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये हमारा बेसिकली हुआ कि हम लोग कैसे यूजर को क्रिएट करते हैं अपने लाइनेक्स के अंदर या यूनिक्स के टर्मिनल के अंदर। आप लोग कैसे सेट करोगे, कैसे यूजर करोगे, कैसे उसका पासवर्ड करेंगे, कैसे हम उस पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक कमांड आई है कि यूजर एड बाई यूजिंग द टाइम ड्यूरेशन। सो वहाँ पे हमारी कमांड क्या होगी, यूजर एड SAITM ही हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यूजर एड SAITM माइनस ई टू रिप्रेजेंट दी माइनस ई एंड डेट, दैट इज 20th of 2020, 05 and 20। नाउ दिस पर्टिकुलर यूजर SAITM.1 इज द एक्सपायरी डेट फॉर दिस यूजर SAITM1 इज 20th of May 2020। आफ्टर दैट दिस यूजर ऑटोमेटिकली डिलीटेड। सो बाय यूजिंग दिस कमांड वी विल सेट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन फॉर अ पर्टिकुलर यूजर इन यूनिक्स।
So now we are moving to next. सो ग्रुप क्रिएट करने के लिए, ग्रुप क्रिएट करने के लिए बेसिकली बच्चों हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर जिसके पास यूनिक्स है तो वो वहाँ पे रन कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, ग्रुप ऐड कॉलेज। हमने यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऐड कॉलेज के नाम से GREP कॉलेज किया है। देन यूजर ऐड -g कॉलेज ABC, डेट मीन्स कि यूजर ऐड हमने कौन सा किया है, हम यूजर ऐड कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, डेट इज फॉर -g जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। कौन से यूजर को ऐड कर रहे हैं, ABC को। कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हम कॉलेज ग्रुप के अंदर। सो ये जो कमांड है आपकी वो किस लिए है, यूजर को ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको चेक करते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। एक बार ट्राई करके देखते हैं। वाला टर्मिनल हमारे पास ग्रुप ऐड कॉलेज GREP कॉलेज। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे दिस वन ग्रुप ऐड GREP 1, दिस इज नाउ GREP GRP 1। हमने क्या किया अभी, उस ग्रुप को चेक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस यूजर के अंदर उस ग्रुप के अंदर एक यूजर ऐड करेंगे बाय यूजिंग द कमांड कंट्रोल जेड फॉर एग्जिट। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग चेक करो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर जो पाथ था वहां से हमने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर ऐड जो हमारी कमांड थी उसको रन करेंगे। यहाँ पे आपका था जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सपायरी के लिए हमने लिया हुआ था ई, उसको हम क्या कर देंगे जी। देन यहाँ पे हम करेंगे कि कहाँ पे हमें ऐड करना है, GRP 1 के अंदर, और कौन सा यू ऐड करना है हमें, न्यू कोई बनाते हैं यहाँ पे हम SAITM 2, दिस इज। सो यहाँ पे हमने क्या किया अभी, इसको सेट किया। अब अपने जो ग्रुप क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं PSAITM 2। क्रिएट अ पासवर्ड, डेट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो SAITM 2 है वो किस ग्रुप के अंदर क्रिएट हुआ है, ग्रुप 1 के अंदर। तो हमने पहले क्या किया, ग्रुप 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 ऐड किया जिसका नाम है GREP 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि उस ग्रुप के अंदर एक एक यूजर क्रिएट करना है, तो वो पर्टिकुलर SAITM 2 जो यूजर है मेरे पास वो किसके अंदर स्टोर होगा, ग्रुप 1 के अंदर। और अब हम उसका पासवर्ड सेट करेंगे 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। ये आपका हुआ है ग्रुप से रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड, कैसे हम पासवर्ड सेट करते हैं, कैसे हम एक यूजर को ग्रुप के अंदर सेट करते हैं। टू चेक ग्रुप एंड यूजर, ये हमने यहाँ पे कमांड जो जी थी ऊपर GREP ग्रुप करके, तो उससे हम क्या करते हैं ग्रुप को चेक करते हैं, GREP ग्रुप नेम और ETC पासवर्ड। ये हमारा पास क्या है, उस पर्टिकुलर को चेक करने के लिए। अगर आप अपने ऑनलाइन सॉरी यूनिक्स टर्मिनल पे, यूनिक्स OS पे अगर इस कमांड को रन करेंगे GREP ग्रुप नेम, यहाँ पे ऐड डाल के, जैसे हमने जो ग्रुप नेम बनाया वो किस नाम से बनाया था, GREP 1 के नाम से। तो हमारे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होती है कि GREP ग्रुप एक्सेप्ट ETC और ग्रुप का नेम, अगर वो हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, अब वो ये कमांड हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि GREP ग्रुप का नेम और ETC ग्रुप। नाउ इसको सेट चेक करते हैं कि ये हमारे पास रन होगी या रन होगी। तो हमारे पास ये हमने अपना टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के बाद हमने क्या लिखा, GREP जो हमने ऊपर वहां पे मेंशन किया हुआ था, GREP डबल कोट्स के अंदर GRP 1, GRP 1, और ये हमने यहाँ पे GREP GREP 1, लास्ट आपने यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंगल कोट्स, और ये आपका हो जाएगा सिंगल कोट्स। नाउ एक मिनट, ये आपकी कमांड GREP के साथ, और यहाँ पे हमें क्या करना था ETC ग्रुप चेक करने हैं हमें, तो ETC ग्रुप के अंदर नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। GRP 1
और ग्रुप इज जीआरपी वन। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये आपका बैक स्लैश, ये आपका एक मिनट सॉरी, सो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि आपका ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जी आर ई पी वन डेट मीन्स कि ये आपका ग्रुप है, ये आपका उसने एक यूनिक आईडी दी है, पर्टिकुलर यूजर को एक यूनिक आईडी दी हुई है डेट इज 1003, और ये क्या है आपका यूजर नेम डेट इज SAITM2। अगर हम इस पर्टिकुलर यूजर को डिलीट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कमांड रन की थी इससे पहले यूजर डिलीट SAITM2, नाउ वी आर गोइंग टू चेक यूजर एस आई टीम इज देयर और नॉट, तो हम क्या कौन सी कमांड रन करेंगे, GRP GRP1 backslash etc और ग्रुप। ये क्या करेगा etc हमारे पास क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर उस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके पास यूजर्स होंगे उनको शो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, GRP तो है आपके पास x है, और ये जो आपका SAITM यूजर था SAITM2 वो वहां पे हमारे पास अभी नहीं है। तो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमने जो अभी तक किया कि ग्रुप कैसे क्रिएट हुए हैं, ग्रुप के अंदर आप लोग ग्रुप के अंदर यूजर कैसे क्रिएट हुआ, यूजर कैसे वर्क करते हैं उसके अंदर, अब क्रिएट डायरेक्टरी, ये आप लोगों ने डोज में भी किया हुआ है एमएस डोज। सो यहाँ पे सेम वही सिंटेक्स है कि मेक डायरेक्टरी, आप लोग मेक डायरेक्टरी, देन डायरेक्टरी का नेम, आफ्टर डैट जितनी भी आपको डायरेक्टरी वहाँ पे क्रिएट करनी है आप वो कर सकते हो। और जब हमें डायरेक्टरी को चेक करना है तो कमांड क्या है हमारे पास, ls -d और परसेंटेज ls -d एस्ट्रिक्स, अभी ये रन करते हैं कमांड अपना टर्मिनल के अंदर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेक डायरेक्टरी mkdir dir1, एक डायरेक्टरी क्रिएट की, सेकंड वन क्रिएट की, उसके बाद हमने कौन सी क्रिएट की, थर्ड क्रिएट की। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितनी डायरेक्टरी हमारी बनी हुई है, तो ls हमारे पास क्या है, लिस्टेड आइटम्स मीन्स ls, ls कमांड क्या करती है आपकी लिस्टेड आइटम्स बताती है कि जो भी कुछ हमारे पास, अगर हम सिंपल ls वहां पे रन करते हैं तो यहाँ पे देखो आपके डायरेक्टली उसने रन करके दे दिया कि ls dir1 dir2 dir3, और अगर हम यही कमांड ये उन्होंने जब स्टार एस्ट्रिक वहाँ पे यूज किया तो उसने क्या कर दिया उस चीज को एक स्पेसिंग के साथ आपको प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पे अब हम डिलीट करते हैं रिमूव डायरेक्टरी, तो रिमूव डायरेक्टरी क्या है, rm dir, और जो भी डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है dir3, तो ये हमने डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि डायरेक्टरी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, तो हमने जो दो कमांड्स यूज की हैं कि या तो हम उसको ls से भी चेक कर सकते हैं या -d से भी, -d वहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्टरी के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपल ls से चेक करते हैं जिन्हें dir3 और नोट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया डायरेक्टरी 3 को, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्टरी बची है, डेट इज dir1 और dir2। सो यहाँ पे इसके बाद क्या है कि एड एड फाइल इन द डायरेक्टरी एंड दिस, ये जो हमारे बाकी की कमांड्स हैं, ये रिमूव डायरेक्टरी का मैंने हमारी कमांड है जो भी हमने रन की है यहाँ पे, रिमूव डायरेक्टरी rmdir या फोल्डर नेम, अगर हम कोई डायरेक्टरी को फोल्ड रिमूव करना है, डिलीट डिलीट रिमूव डायरेक्टरी विद इट्स कंटेंट्स, अगर हमें कंटेंट के साथ भी डिलीट करना है तो हमारे पास क्या होगा, रिमूव -r फोल्डर के साथ। अब ये यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो कमांड आपकी रिमूव -r और फोल्डर का नाम, अभी ये देखते हैं कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक फाइल क्रिएट करते हैं, और जब हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं अपने यूनिक्स के अंदर, बाई यूजिंग टच और कैट कमांड। तो कैट कमांड हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली एक फाइल को क्रिएट करेंगे हम, और उसके अंदर हम डायरेक्ट डायरेक्ट कंटेंट भी वहां पे ऐड कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो टच कमांड है वो क्या करती है, वो जस्ट आपको फाइल क्रिएट करके देती है, वहां पे कंटेंट हम बाद में ऐड करते हैं। तो पहले हम दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच हमने यहाँ पे किया, तो टच कमांड जब हम यहाँ पे रन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टच फाइल वन देन फाइल टू, दो फाइल आपके यहाँ पे क्रिएट हुई है। अब कैट कमांड क्या करती है, कैट फाइल थ्री, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि कैट कैट कमांड के थ्रू हम पर्टिकुलर फाइल को क्रिएट करने के साथ साथ उसके अंदर हम कंटेंट भी डाल सकते हैं। तो हेलो SAITM, नाउ वी वांट टू एग्जिट
आउट फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कितनी कमांड्स फाइल्स हो गई हैं, 3। तो ls कमांड से चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दो डायरेक्टरी है मेरे पास, फाइल 1 है, फाइल 2 है, फाइल 3 है। अब ls और जो हमने माइनस डी वाली बात की थी कि हम वो माइनस डी वहां पे क्यों यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ls कमांड ने आपको क्या किया है कि जो जितनी भी आपके पास डायरेक्टरी हैं फाइल्स हैं वो उसने प्रोवाइड करा दी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंटेंट चेक करते हैं फाइल के अंदर, कौन सी फाइल के अंदर कंटेंट है या कौन सी फाइल के अंदर कंटेंट नहीं है। तो बेसिकली अगर हम फाइल 1 को चेक करते हैं यहाँ पे कि कैट फाइल है आपके पास, कैट फाइल 1, फाइल 1 हम यहाँ पे टाइप करते हैं, हमारी फाइल 1 थी, फाइल 1 हमने यहाँ पे टाइप की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैट फाइल, हमारे पास फाइल 1 जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन अब उसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हेलो SAITM 2, और यहाँ से हम इसको एग्जिट करते हैं, एग्जिट। नाउ अगर हम इस फाइल के अंदर अगर हम यहाँ पे कंटेंट चेक करते हैं कि फाइल के अंदर वो कंटेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल आपका इसको हम चेंज करेंगे। कैट, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, SAITM 2। तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका कि हमने फाइल के अंदर चेक किया है कि वो कंटेंट आपके पास फाइल के अंदर है या नहीं है। सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि अगर मान लो आपको इस कंटेंट में कुछ एड ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो ये जो कमांड है आपके, यहाँ पे हम इसको डबल ग्रेटर देन लगाने के बाद यहाँ पे कंटेंट को एड कर देंगे, स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब हम जाके इसको चेक करते हैं कि फाइल के अंदर कंटेंट है या क्या कंटेंट है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हेलो SAITM 2 स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये आपका क्या हो गया कि हम कैसे हमारा यूनिक्स के अंदर फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। टच कमांड क्या करती है, टच कमांड हमारे पास मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करती है, वेयर एज क्रिएट कमांड क्या करती है हमारी, वो हमारे पास फाइल को क्रिएट करने के साथ साथ कंटेंट भी हम वहाँ पे उसमें डायरेक्टली ऐड करते हैं। सो ये तो आपका हो गया कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या है कि यूजर को कैसे क्रिएट करते हैं यूनिक्स के अंदर, कैसे यूजर का पासवर्ड सेट करते हैं, कैसे हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप को कैसे चेक करते हैं, ग्रुप के अंदर यूजर को कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्टरी कैसे डिलीट करेंगे, डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करेंगे और फाइल्स को कैसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक कमांड है आपके पास, अपेंड कंटेंट ऑफ फाइल 1 टू सेकंड फाइल। तो ये हमारे पास एक सिंटेक्स जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है दो फाइलों के कंटेंट को ऐड करने के लिए। डेट मीन्स कि कैट फाइल क्रिएट की, फाइल ऑलरेडी थी आपके पास फाइल 2 1 डॉट txt, और फाइल 1 डॉट txt के अंदर जो कंटेंट है वो हमें किसके अंदर लेके जाने है, फाइल 2 के अंदर। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइल को हम अपेंड करेंगे। अब यहाँ पे जो हम ऑपरेशन की बात कर रहे थे वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दैट इज अगर हम यूनिक्स के अंदर, अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप लोग वर्क करोगे, तो वहाँ पे आपको ये ज्यादा क्लियर वे में पता लगेगा कि वो परमिशन वहाँ पे अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑनलाइन टर्मिनल में इतना आसानी से नहीं पता कर सकते हम। सो यहाँ पे परमिशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, rw। बेसिकली हम क्या करते हैं, आर और डब्ल्यू से हमें पता लगता है कि जो कोड है वो फाइल का क्या है, रीड और राइट दोनों ही मोड में है। जस्ट सजेस्ट डेट द ओनर कि रीड द फाइल और राइट और एडिट द फाइल, ही कांट एग्जीक्यूट द फाइल सिंस द एग्जीक्यूटिविटी सेट टू दिस। हम उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट वहां पे क्या, हम उस फाइल को रीड भी कर सकते हैं और उस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है कि होम और ग्रुप के अंदर फाइल बनाना, तो यहाँ पे आप लोग ये चेक करोगे कि थर्ड पार्ट ऑफ द होल वर्ड विच मीन्स एनी यूजर, इट सेज आर डैश डैश डैश। दिस मीन्स कि हम जस्ट और जस्ट फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमने रन किया कि ls -l file1.txt, हमें file1 की डिटेल्स हैं वो कंप्लीट चाहिए, file1.txt की उसकी परमिशंस उसने दिखाई। परमिशंस क्या है हमारे पास, रीड है, राइट है, देन रीड माइनस माइनस। डेट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमारे पास आर के बाद में, डेट मीन्स कि ये फाइल क्या है हमारे पास, जस्ट और जस्ट रीड, यूजर कैन ओनली रीड द फाइल। यहाँ पे उसने बाकी उसने बताया है कि वो जो है वो रूट 1 के अंदर है, फाइल कब क्रिएशन हुई है, टी फाइल 1.txt आपका नाम है जो आप चेक करो, फाइल कब क्रिएट हुई है ये उसने उसका टाइप
टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब टू चेंज द मोड ऑफ अ फाइल, अगर आपको फाइल का मोड चेंज करना है, जैसे यहाँ पे रीड मोड है, अगर आपको फाइल का मोड चेंज करना है तो यहाँ पे क्या होगा, सी एच मोड। अब सी एच मोड के बाद हमें परमिशन है, यहाँ पे आप जब चेक करोगे स्टेबल के अंदर, ये कमांड्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रन करें, बेसिकली रिलेटेड टू द परमिशंस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एल एस दिस वन, तो यहाँ पे आपने ये चेक किया कि एल एस रूट ये आपके फाइल वन डॉट टी एक्स टी। अब एल एस फोल्डर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, 4 है। फाइल वन डॉट टी एक्स टी में इसमें जो भी कंटेंट है वो आपने उसको उसने आपको शो कर दिया है। ये जो परमिशन थी आपकी वही परमिशन यहाँ पे है कि रीड राइट है, रीड है, देन रीड ओनली बचती है। उसके बाद अगर हमें मोड से मोड आपको फाइल का मोड चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी एच मोड 756 आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे होंगे, ये फाइल का नाम है। 756 यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज यहाँ पे आप जब जाओगे तो 7 क्या बता रहा है कि आपका रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों हो, 6 आपका रीड और राइट हो, और 5th रीड और एग्जीक्यूट हो। डेट मीन्स कि यहाँ पे जब हम 756 को मोड पे लगाए, जब हमने चेक किया तो ये देखो आप यहाँ पे इस वाले सिंटेक्स में अगर आप देखोगे ये वाला लाइन पे और इस वाली लाइन पे आपको डिफरेंस मिलेगा। डेट मीन्स कि 7th मतलब रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों मोड आपको वहाँ पे उसने प्रोवाइड किए हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट। देन 6th पे आपका क्या है, रीड और राइट ओनली। उसके बाद है 5th, शायद 75 है, 5 पे आपका क्या है, रीड और एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि रीड बीच में डैश है आपका, फिर एग्जीक्यूट है, देन आपका कौन सी स्टेटमेंट आई है, 6 स्टेटमेंट में आपका क्या है, रीड और एग्जीक्यूट ओनली, तो रीड और राइट ओनली। देन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, रीड के लिए आर, राइट के लिए डब्ल्यू, एंड देन डैश। तो बेसिकली ये है आपका चेंजिंग मोड। तो स्टूडेंट्स ये ट्राई करना कि आपका एग्जीक्यूट हो जाए स्टेटमेंट। यहाँ पे हम भी सेट करते हैं अपनी कमांड, यहाँ पे फाइल वन डॉट टी एक्स टी है हमारे पास, ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट है उसके अंदर हम रन करेंगे अभी। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे लाइनक्स कंटेनर, अभी ये हमारा वर्किंग में जस्ट 6 मिनट लग देगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, एल एस माइनस एल और फाइल वन, सिंपल फाइल वन थी हमारी। यहाँ पे देखो उसने क्या प्रोवाइड किया है आपको, फाइल हमारे पास बाय डिफॉल्ट किस मोड में है, रीड राइट, देन आपका रीड, देन डबल डैश, और फिर आपका दिस वन, मींस आपकी फाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीड मोड में। अगर हमें इसको मोड चेंज करना है तो सी एच मोड हमने यहाँ पे किया, हमने वहां पे क्या किया था, 756, देन हम यूजर नेम सेट करेंगे फाइल वन का, फाइल वन के लिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या कुछ चेंजेस आया है। यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं सी एच मोड फाइल 756 फाइल वन डॉट टी एक्स टी, सो यहाँ पे 756 की जगह अगर हम फाइल वन सी एच मोड 756 की जगह हम जस्ट नहीं, अब हम क्या करते हैं इसको चेक करते हैं कि हमारे पास चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने फाइल को चेक किया कि हमारे जो फाइल की परमिशन है वो क्या है। फाइल की परमिशन है वो आपको क्या दे रही है, फर्स्ट में रीड राइट, देन डैश, फिर रीड है ओनली, फिर डैश डैश है। अब जब हमने मोड को चेंज कर दिया 756 में, मींस फर्स्ट जो है 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीड भी है, राइट भी है और एग्जीक्यूट भी है। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीड है यहाँ पे आपका, एग्जीक्यूट नहीं, राइट नहीं है, एग्जीक्यूट है। और 6 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रीड और राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं अपनी परमिशंस को सेट करते हैं। और अगर ये कमांड्स आप लोग यूनिक्स के अंदर डायरेक्टली रन करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, और भी काफी सारे पिक्चर्स आपको वहां पे मिलेंगे। सो बेसिकली ये आपका टेबल है कि कौन कौन से कमांड कौन कौन से नंबर क्या है। अगर 0 है वहाँ पे डेट मीन्स कि हमारे पास कोई भी परमिशन नहीं है, सिंगल 1 है तो जस्ट एग्जीक्यूटेबल है, 2 है तो राइट है, 3 है तो एग्जीक्यूट और राइट है, और 4 है तो रीड है। तो ये बेसिकली जो हमने आर माइनस माइनस के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, अभी आप ऊपर भी चेक करोगे कि आर माइनस माइनस है, डेट मीन्स कि यहाँ पे जो फाइल आपकी वो सिर्फ और सिर्फ रीड 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 मोड में है ओनली। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं अपनी परमिशंस। अब स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। मैंने अभी जब फाइल क्रिएट की थी कैट से रिलेटेड, तो कैट फाइल में हमने पहले फाइल को क्रिएट किया था, फाइल के अंदर कंटेंट डाला था, और फाइल के अंदर कंटेंट को कैसे अपेंड किया था, वो चीज़ हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट और इनपुट के अंदर होगा। और अगर किसी फाइल के अंदर कोई एरर जनरेट होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड एरर। तो
ये आपका बेसिकली कमांड्स से रिलेटेड था, जो बेसिक कमांड्स थी यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे, किस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करते हैं, कैसे यूजर को हम ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, फिर कैसे हम ग्रुप्स के अंदर पर्टिकुलर यूजर को चेक करते हैं, कैसे हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करेंगे, कैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल के अंदर हम लोग कैसे डाटा को इंसर्ट करेंगे, डाटा को हम कैसे चेक करेंगे, ये हमने अभी कैट कमांड के अंदर भी किया था। ये जो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउट और स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट है, और कैसे आप लोग पर्टिकुलर फाइल पे की परमिशंस चेंज कर सकते हो। तो आज हमने जितना भी पढ़ाई आपका बेसिक यूनिट नंबर 3 से है, सो मे बी यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा आपका कि लाइक राइट डाउन 10 to 15 बेसिक कमांड्स ऑफ यूनिक्स, या राइट डाउन दी कमांड्स रिलेटेड विद द परमिशन। जो डिस्कस किया है यहाँ पे, बेसिकली ये आपके दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।